बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सैयद राशिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तादीन अपडेट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तादीन अपडेट्स जानते हैं आलम प्लस के एनालिस्ट के रहनुमा रहमान अली बाजवा से। फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन, अभी कुछ हमारे साथी जो है जा भी चुके हैं स्टेट ऑफिस से। हमारे साथी मौजूद हैं राजा साजिद साहब, मेराज साहब मौजूद हैं, चचा सादिक और यूटिलिटी स्टोर से मिसकीन साहब। हंगामी मीटिंग थी, इसमें जो साथी हमारे नहीं पहुंच सके हैं, जो अलायंस का हिस्सा है और जिन्होंने यकीन दिलाया है कि वो हर तरह से हमारे साथ होंगे, इसमें हमारे रेलवे के मुलाजिम, पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम, रेडियो पाकिस्तान के साथी जो है शिरकत नहीं कर सके, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, नेशनल सेविंग हाउसिंग फाउंडेशन, हाउसिंग अथॉरिटी और PWD से इस्लामुद्दीन साहब और दीगर साथी हैं जो कि शिरकत नहीं कर सके, मगर उन्होंने भरपूर यकीन दहानी करवाई है। आज की मीटिंग के अंदर मुतफिका तौर के ऊपर ये फैसला किया गया है कि मौजूदा जो महंगाई का तूफान है, सरकारी मुलाजमीन के साथ पेंशन इस्तेहारात के नाम के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, खासतौर पर लीव इनकैशमेंट हो, अगर पंजाब के मुलाजमीन की बात की जाए और वफाक के अंदर जो पेंशन इस्तेहारात लेके आई जा रही है जिसके अंदर आखिरी 3 साल की एवरेज होगी, उसका 70% लीव इनकैशमेंट का जो फार्मूला है 35 से उसको 25% के ऊपर लेके आया जा रहा है, जो लेंथ ऑफ सर्विस काउंट की जाती थी 30 साल, जितनी भी सर्विस होगी उसको 25 साल काउंट किया जाएगा, और तो और हर इजाफे साल जो मुलाजिम सर्विस करेगा उसकी 3% कटौती, मिसाल के तौर पे 20 साल की एज के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम भर्ती हुआ है, 60 साल के ऊपर वो रिटायर होता है, 40 साल सर्विस करता है, तो उसकी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 25 साल होगी और 25 के ऊपर जो 15 साल उसने सर्व किए हैं वो माइनस में जाएगा, 45% उसकी पेंशन माइनस की जाएगी। इसके साथ साथ पेंशन के अंदर जो इजाफा है वो रनिंग पेंशन की बजाय बेसिक जो उसकी चल रही होगी वो होगी और मैक्सिमम 10% से ऊपर जो है वो इजाफा नहीं होगा। महंगाई से मारा हुआ मुलाजिम जो कि हुकूमत की तरफ मराद के हवाले से देख रहा है, खासतौर पे महरूम मुलाजिम, बिजली के झटके से करंट लगने से तो मरता देखा था मैंने मुलाजिम या मजदूर या आम शहरी, बिजली के बिल जो कागज की सूरत में है वो कागज की सूरत में देख के जो है मुलाजिम और आवाम जो है खुदकुशियां कर रही है। ये कॉल सिर्फ मुलाजमीन के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के हर शहरी के लिए भी है जो महंगाई और बिजली के बिलों से जो है परेशान है। हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। 90% आबादी इस्लामाबाद की सरकारी मुलाजमीन के ऊपर मुश्तमिल है। महरूम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है और हुकूमत के लिए भी ये मैसेज है हमारे काकर साहब जो वजीर आजम है कि खुदारा जो एक नाइंसाफी महरूम मुलाजमीन से होती आई है, जिन ताकतवर इदारों के साथ हमारी तफरीक चल रही थी, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उस तफरीक को रिड्यूस करने के लिए जो है अलाउंस जो है नाफिज किया गया था, जिन इदारों के साथ चल रही थी उनको रनिंग बेसिक पे में ले गया और हमें फ्रीज रखा गया। कन्वेंस अलाउंस 2016 में अगर किसी का 1500 था या 5000 था तो अभी भी 5000 है। उस वक्त 2016 के अंदर पेट्रोल की कीमत 64 रुपए थी, अभी 270 से तजावज कर चुकी है, 500% उसके अंदर जो है इजाफा हो चुका है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद हैं जो गुज़िश्ता साल जून के अंदर आई थी, जिसमें हाउस रेंट